but I don't even know it. प्रिया सिंह प्रिया जी, इंसिडेंट हुआ है आपके साथ में, क्या पूरा वाक्य बताइए। हाँ जी, इंसिडेंट हुआ है, मैं मेरे बॉयफ्रेंड को मिलने गई थी संडे को रात को, और वहाँ पर मैंने देखा मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो वहाँ पर था एक फंक्शन में, एंड आई सॉ हिम विद सम लेडी, एंड आई डिड नॉट नो कि वो उसकी वाइफ है, क्योंकि उसने मुझे ये बताया था कि उसकी, पहले तो मुझे पता नहीं था दैट ही वॉज़ मैरिड, और जब मुझे पता चला बहुत टाइम बाद, उसके बाद उसने मुझे बोला दैट मैं सेपरेटेड हूँ, मेरा डिवोर्स हो गया है। और फिर मैं उसको ऐसी सरप्राइज़ देने के लिए मिलने गई थी, आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी हिम, आई वेंट देयर और मैं उसको मिलने गई वहाँ पर। और उसके बाद मैं जब वहाँ पहुँची तो वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था मेरे साथ, उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं, आई गॉट हर्ट, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो मैं रोते रोते वहाँ से बाहर निकल गई, मैंने कुछ नहीं बोला, उसके बाकी सारे दोस्तों ने मुझे हाय हेलो किया जो भी म्यूचुअल्स थे, बट उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। फिर मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला कि व्हाट इज़ दिस, यू कम आउट एंड आई वांट टू टॉक टू यू। तो उसका ड्राइवर का मुझे ड्राइवर को उसने भेजा, उसका ड्राइवर बोला प्रिया जी फैमिली है यहाँ पर। मैंने बोला कौन फैमिली, आई कांट सी पापा मम्मी किसी को भी नहीं, बिकॉज उस वो मैं उसके पापा मम्मी सबको जानती हूँ, और वो भी बोलता है कि मेरी फैमिली को सब लोग को तुम पता हो प्रिया, मतलब एवरीबडी नोज़ मी इन हिज फैमिली। तो उसका ड्राइवर बोला कि अरे भाई की फैमिली, आप जाओ यहाँ से। मैं बोली मैं क्यों जाऊँ, तो मैंने बोला कौन है, बोलता है वाइफ है। मैं बोली कौन वाइफ, वाइफ तो मैं हूँ ना उसके हिसाब से। तो बोलता है हाँ आप भी हो, लेकिन अभी समझो भाभी आई है। तो मैं बोली ये कहाँ से आ गई, कौन भाभी, इसने झूठ बोला मुझे इतने टाइम से। तो मैं वो एक शॉक में थी, उसके बाद मैं रोने लगी और मैं बाहर जाके खड़ी हो गई। फिर मैं उसको कॉल कर रही थी अश्वजीत को, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने सागर को कॉल किया, उसके ड्राइवर को बोला इसको गाड़ी में बिठा, मैं आता हूँ। और फिर मैं गाड़ी में बैठी और अश्वजीत का वेट कर रही थी काफ़ी टाइम से, वो नहीं आया। मैंने आधे पौने घंटे वेट किया, वो नहीं आया। फिर मैं उसको कॉल कर रही थी बैक टू बैक कि तू सिर्फ आओ और मुझसे बात कर, नथिंग एल्स, एंड आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस हिम, नथिंग एल्स, देर वॉज नो फाइट बिटवीन मी एंड हिम बिकॉज आई वॉज हर्ट दैट टाइम एंड शॉक। तो नहीं आया। फिर उसने सागर को फ़ोन करके बोला कि तिला घर ही ड्रॉप करूँ या, आई हर्ड दैट। मैंने बोला बिना बात किए नहीं जाऊँगी। फिर उसके बाद मैं रुकी, मैंने बोली मैं नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी नहीं। मैं गाड़ी से उतरने की कोशिश की, मैं बोली मैं यहीं रुकूँगी, यहीं खड़ी रहूँगी, नहीं तो मैं अंदर जा रही हूँ, उसको बाहर बुलाओ। फिर वो बाहर आया कुछ टाइम बाद अपने दोस्तों के साथ, ही स्टार्टेड झगड़ा होने लगा, वो अब्यूज़ करने लगा मुझे। फिर मैंने उसको काम किया, तो हम वी हग्ड ईच अदर, मी एंड अश्वजीत। उसके बाद उसके फ्रेंड्स आ गए, चल चल निकल तेरा बहुत नाटक हो गया, एंड दे स्टार्टेड गंदी गंदी अब्यूजिंग। उसका फ्रेंड रोमिल मुझे बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा था, तो मैंने अश्वजीत को बोला प्लीज़ कंट्रोल योर फ्रेंड, प्लीज़ कंट्रोल, ही कांट इंटरफेयर बिटवीन यू एंड मी। बट वो सुन नहीं रहा था, उसने मेरा हाथ वाथ झटका। फिर मैं जब रोमिल को उल्टा बैकफायर करने लगी, तो अश्वजीत ने मेरा मुंह पकड़ा, मेरे को थप्पड़ मारा, मेरा गला दबाया, मेरे को दांत काटा है यहाँ पर। तो मैंने बोला कि तुम अपने दोस्तों को कंट्रोल करो, बट फिर अश्वजीत भी मुझे गाली गलौज करने लगा। फिर रोमिल ने मुझे बोला कि तेरे को बहुत का शौक है ना, रुक यहाँ पे, गांव की सारी औरतों को बुला के तेरे को मरवाता हूँ। जो हिट एंड का जो किस्सा था, हाँ गाड़ी एक्सीडेंट, उसके बाद ये सब होने के बाद, लड़ाई झगड़े होने के बाद वो सब भागने लगे वहां से, और मैं अश्वजीत को होल्ड करके रखी थी, क्योंकि मैं, मेरे को चाहिए था मैं उससे कुछ भी करके बात करूँ, मुझे मेरे आंसर्स चाहिए थे, वॉट एवर आई हैव सॉ देयर। सो पहले वो उसके फ्रेंड्स एक गाड़ी में निकले फटाफट, जब तक मेरा आर्ग्यूमेंट हो रहा था, उसके बाद अश्वजीत की गाड़ी, डिफेंडर में वो, उसका ड्राइवर, और वो दोनों फटाफट बैठे, और उसी गाड़ी में मेरा पर्स और फ़ोन था। ये लोग गाड़ी में बैठ के फटाक से निकलने की कोशिश की है, उतने में मैंने मेरा फ़ोन लेने के लिए गाड़ी को नॉक किया, और मैं गाड़ी के आगे खड़ी थी, और उन लोग कट ले रहे थे राइट साइड से हाईवे के लिए, और मैं नॉक करने गई, उन्होंने मुझे उड़ा दिया राइट साइड से, एंड दे ऑल रैन। जो घटना हुई है, जो हिडन नगर केस हुआ था, उसके बाद का क्या वाक्या था, तो आपको किस तरीके से हॉस्पिटल पहुंचे? फिर मैं वहाँ पर, आई वॉज ऑन रोड एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, वॉज लेफ्ट ऑन रोड, मैं वैसे ही पड़ी थी। फिर कोई नहीं था आसपास में, रात का टाइम था, सिर्फ ट्रक वर्क वाले जा रहे थे, बट नोबडी केम टू हेल्प मी। सो मैंने मेरा पैर देखा, उठ नहीं रहा था, वो लटक गया था, मेरा पैर झूल रहा था। तो
फिर एक स्कूटी पे एक लड़का आया, उसको मैंने बोला प्लीज हेल्प कर, ऐसे मैंने फोल्डिंग हैंड्स में बोला प्लीज मुझे हेल्प कर प्लीज, तो वो आया बोला डोंट वरी व्हाट हैपेंड, उसने मुझसे पूछा, मैंने उसको सब बताया मेरे बॉयफ्रेंड ने किया ये वो, एंड देन उसके बाद वो लड़का का सर्वाइवली पुलिस स्टेशन में कॉल किया 100 नंबर पे, एंड एम्बुलेंस को कॉल किया, बट वो लॉन्ग प्रोसेस था थोड़ा, उतने में अश्वजीत का ड्राइवर और बॉडीगार्ड आए मुझे यू टर्न लेकर के देखने की मैं वहाँ पे रोड पे हूँ या नहीं हूँ, फिर मैंने वो जो लड़का स्कूटी पे था अननोन, मैंने उसको बोला दिस इज़ द कार, यही गाड़ी थी, प्लीज़ इनको बुला, इन्होंने मुझे मार के गए, तो उसने बुलाया और फिर अश्वजीत के ड्राइवर और बॉडीगार्ड आए, एंड वो लोग बोले क्या हुआ क्या हुआ, मैंने बोला तुम लोगों ने मेरा पैर तोड़ दिया, तो बोले कुछ नहीं हुआ स्क्रैचेस है ठीक हो जाएगा टेंशन मत लो, फिर वो दोनों मुझे उठा के टाइटन हॉस्पिटल लेकर गए। मैम, ये जो अश्वजीत है इनका बैकग्राउंड क्या है? इसके पापा पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र थे, बट अभी उनको एमडी की पोस्ट मिल गई है, एंड MSIDC समथिंग उनकी पोस्टिंग है अभी, और अश्वजीत क्या करता है खुद? वो डैड का ही सब संभालता है, और इनके बहुत सारे होटल्स वोटेल्स के बिजनेस हैं बहुत सारे। अभी आपकी क्या मांग है? मेरे को जस्टिस चाहिए, जो मैं अकेले सफर नहीं करना चाहती हूँ, ये उसने मुझे फेक प्रॉमिसेस किए हैं, आई वॉज मैडली इन लव विथ हिम, स्टिल आई फील समथिंग, आई एम हर्ट बिकॉज इतना कुछ होने के बावजूद वो एटलीस्ट एक बार आकर के मेरे से बात भी किया होता ना, मैं उसके लिए कोई अननोन नहीं थी, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रही हूँ 4.5 साल, हमने बहुत मोमेंट्स स्पेंड किए हैं, तो मैं ये जो सफ़र कर रही हूँ, आई एम द प्राइम मेम्बर ऑफ इन माई फैमिली हु अर्न्स, मुझे नहीं पता मैं कब ठीक होंगी क्या नहीं, मेरी बॉडी मूव नहीं कर पा रही हूँ मैं, और मेरे को मेंटली भी बहुत ज़्यादा चोट लगी, मुझे नहीं पता कि मैं फिजिकली हील कर लूँगी, बट आई डोंट नो मेंटली व्हेन आई एम गोइंग टू हील माई सेल्फ। महाराष्ट्र के ताजा बातम्या साठी बघत रहा टाइम्स टुडे टीव्ही सोबत, शेयर करा, सब्सक्राइब करा आणि हां बेल आय